पौड़ी में एनएमयूआई नेता की गिरफ्तारी को लेकर तहसील कार्मिकों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं एसडीएम आकाश जोशी और यूथ कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट के बीच हुए विवाद पर अब तहसील कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को कार्य बहिष्कार का अल्टीमेटम दिया है। राजस्व निरीक्षक अध्यक्ष विजय रामपंत ने बताया कि तहसील के पटवारी संघ और कर्मचारियों ने डीएम से मुलाकात कर इस मामले के आरोपी नितिन बिष्ट की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग उठाई। साथ ही सभी ने जिला प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। आप लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि आप भी इसमें कि भाई इस प्रकार से कोई भी कर्मचारी, हम भी फील्ड में नौकरी करते हैं और कोई आके अभद्रता करे तो ये अच्छी समाज के लिए भी अच्छा संदेश नहीं है। किसी व्यक्ति को अपनी राजनीति करनी है वो राजनीति पटल पे करे। अपनी ओर से और कार्यालय तहसील कर्मचारी हैं उनके ओर से एक अभी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें जो SDM पौड़ी के साथ जो घटना हुआ है तहसील परिसर के अंदर वो घटना हुई थी तो ऐसी घटनाएं पर रोक लगाने का उनका एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। साथ में जो घटना हुई थी उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसमें न्यायोचित कार्रवाई की जाए।